बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। दरअसल पीबीएम अस्पताल में ठेकेदार के मार्फत लगे सफाई कर्मचारी वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर गत 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल का असर पीबीएम अस्पताल में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अस्पताल के वार्ड और अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हैं। वार्डों की गलियों में गंदगी बिखरी पड़ी है, शौचालयों की भी सफाई नहीं हो रही है। गंदगी के चलते अस्पताल में वार्डों की गलियां बदबू मार रही हैं। बदहाल सफाई व्यवस्था के चलते अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें गत 2 माह का वेतन नहीं दिया जाता, हड़ताल जारी रहेगी। बीकानेर में आज 30वें दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, जिसमें इनकी मांगे हैं कि हर महीने इनको तो मजदूरी नहीं देते हैं, तनख्वाह नहीं देते हैं। और आज करीब 35 साल से पीबीएम हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो रही है। 12 घंटे इनसे काम लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट सरकार का नियम है कि 8 घंटे ड्यूटी दी जाए कर्मचारी को। 7,000 रुपये इनको तनख्वाह दी जाती है और 12-12 घंटे इनसे काम लिया जा रहा है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए बीकानेर से हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, पीबीएम अस्पताल तो वैसे भी बीमारी रहता है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आपने पहुंचाई है, अस्पताल देखकर ऐसा लग रहा है कि मरीज वहां ठीक होने जाएगा तो वो और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। इस कदर गंदगी का आलम है, क्या कोई अधिकारी गंभीर नजर आ रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं श्वेता, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या हालात है। सवाल ये है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही तो है ही, सवाल ये भी उठता है कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो समय है बहुत ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है, एक तरह से हाई अलर्ट है, मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है संक्रमण किसी भी तरह कहीं भी ना फैले। लेकिन इसके उलट ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। और निश्चित तौर पर केवल कॉलर ट्यून लगाने से स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। सरकार की मंशा भले ही सरकारें गंभीर हैं, चाहे केंद्र की हो या स्टेट की, लेकिन जब तक जो हुक्मरान हैं वो इन तस्वीरों पर नहीं चेतेंगे, अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, लगता नहीं है कि इस तरह की बीमारियों से जो है यदि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो फिर आप कैसे निपटेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको तैयारी हर चीज की पहले करनी होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि अस्पताल नहीं है बल्कि कोई कूड़ा घर है, जहाँ पर आप देख पा रहे हो डॉक्टर्स किस तरह से निकल रहे हैं अपने नाक पर हाथ रखकर, तो आप समझिएगा मरीजों की क्या हालत हो रही होगी। बिल्कुल लक्ष्मण, लेकिन क्योंकि इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है इसलिए 3 दिन से हड़ताल पर, कहना यही कि अगर इनका वेतन नहीं दिया जाता है तो हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। 3 दिन में जब ये आलम हो रखा है, इस तरह की तस्वीरें हैं, तो आगे किस तरह क्या कुछ देखने को मिलेगा? और जहां हम सफाई, सुरक्षा, स्वस्थ रहने की बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस का अलग खौफ यहाँ पर है, और ऐसे में इतनी ज्यादा गंदगी, लक्ष्मण क्या किसी अधिकारी या अस्पताल प्रशासन से बातचीत हुई क्या? क्या वजह है कि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, या कुछ बातचीत या वार्ता की कोशिश नहीं की जा रही है? देखिए, दरअसल जो है हमने बातचीत की है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी, और हमने इस पूरे मामले को ध्यान में लाया है, हमने जो जिला अधिकारी उनके भी, लेकिन दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला होता है, पहले भी आरोप लगते रहे, कुछ एक मामले ऐसे भी हैं जिसमें कमीशन खोरी की बात आती रही, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है श्वेता, ऐसे मामले में यदि अस्पताल प्रशासन से बात नहीं बन रही है तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं उनको इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और समय रहते इस अस्पताल की तस्वीर बदलनी चाहिए। श्वेता, ये कोई गांव का अस्पताल नहीं है, ये संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, कोरोना को लेकर बनाए गए हैं, चाहे स्वाइन फ्लू को लेकर बनाए गए हैं। उन अस्पतालों में जब ये हालात है तो आप कैसे दावा कर सकते हो? और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की कोशिशों हैं उन पर पलीता लगाता दिख रहा है ये अस्पताल प्रशासन और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल ये तस्वीरें कई सवाल है अहम खड़े कर रही हैं कि लाख स्वच्छता की हम बात करें, लेकिन जब अस्पताल जहां पर लोग बीमार होकर आते हैं ठीक होने की कामना लेकर, और ऐसे में इस गंदगी के ढेर में इस बीच उनका इलाज होगा, तो क्या मुमकिन है कि वो ठीक हो पाएंगे? बल्कि इस गंदगी की वजह से और भी बीमारियां बढ़ेंगी, और भी लोग बीमार होंगे, और एक दूसरी तरफ कोरोना वायरस का खौफ तो है ही। कहीं ना कहीं गंभीरता नजर नहीं आ रही अधिकारियों को लेकर, अस्पताल प्रशासन को लेकर, ये बेहद अहम सवाल है। लेकिन देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखकर भी क्या ये अस्पताल प्रबंधन या प्रशासन जागता है, या फिर वैसे ही नींद में रहेगा।